लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने $23 मिलियन का एक खास स्पेस टॉयलेट बनाया है। नासा का कहना है कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में आराम से रहने में मदद मिलेगी। नासा हमेशा से ही अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ने के लिए नए मिशन और अंतरिक्ष यान तैयार करता रहता है, लेकिन इस बार उसने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा सुविधा के लिए एक हाईटेक टॉयलेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी IAS पर भेजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्पेस टॉयलेट का नाम यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी UWMS रखा गया है। अगर भारतीय रुपयों में इसकी लागत की बात की जाए तो इस स्पेस टाइटेनियम टॉयलेट की लागत कम से कम 170 करोड़ रुपए है। तो चलिए जानते हैं कि इस 170 करोड़ के स्पेस टॉयलेट में ऐसा क्या खास है। दरअसल ये टाइटेनियम टॉयलेट स्पेस स्टेशन पर अभी तक इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट के मुकाबले 65% छोटे और लगभग 40% कम वजनी है। इतना ही नहीं, पहले के टॉयलेट में अंतरिक्ष यात्री या तो केवल पेशाब ही कर पाते थे या तो मल त्याग कर पाते थे, यानी कि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नए सिस्टम में ये दोनों ही सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इस टॉयलेट में फुटरेस्ट और हैंडल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो क्रू मेंबर्स को शौच के समय सुविधा देंगी। नए डिजाइन के बने इस टॉयलेट को खासतौर पर महिला यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसा कि इसका नाम यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये अंतरिक्ष में टॉयलेट के कचरे को मैनेज करेगा, यानी कि इस टॉयलेट में जमा हुए पेशाब का पहले ही ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर से स्पेस स्टेशन में ही रिसाइकल करके पानी में बदल दिया जाएगा। वहीं इसमें जमा मल को कंटेनर में स्टोर कर वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा वायुमंडल में ही जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जबकि टॉयलेट में यूज की हुई पेपर और ग्लव्स जैसी चीजों को एक वाटरप्रूफ साथ में फेंक दिया जाएगा। फिलहाल ये नए टाइटेनियम टॉयलेट 3 साल के लिए टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन इसको ISS में लगाने के साथ ही पुराने सिस्टम को हटाया नहीं जाएगा, जिससे कि अंतरिक्ष यात्री इसका लाभ उठा सकें और इसमें कोई असुविधा हो तो उसे सुधारा जा सके। नासा का कहना है कि ये टॉयलेट फ्यूचर में चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए उपयोग किए जाएंगे।